हे फ्रेंड्स, हम लोग अभी फाइबर फ्रॉम फैब्रिक का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। क्वेश्चन आंसर इन शॉर्ट्स। फर्स्ट क्वेश्चन, थ्री एनिमल्स हुज फ्लीस इज यूज्ड फॉर मेकिंग वुलन फाइबर आर शिप, गोट एंड याक। सेकंड क्वेश्चन, थ्री कॉमन वेराइटीज ऑफ वुल आर पश्मीना, अंगोरा, शहतोश। थर्ड क्वेश्चन, सॉर्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स फ्रॉम द फ्लीस। फोर्थ क्वेश्चन, सेरिकल्चर इज द प्रोसेस ऑफ रियरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क। फिफ्थ क्वेश्चन, द कोकून आर कलेक्टेड एंड इज एक्सपोज्ड टू स्टीम, द सिल्क फाइबर देन सेपरेट्स आउट फ्रॉम कोकून। इन इंडिया एंड चाइना सिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन लार्ज स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर इन लॉन्ग, वुलन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड इन विंटर बिकॉज इट ट्रैप्स एयर इन इट एंड एयर इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट। इट डज नॉट अलाउ ऑफ आर बॉडी हीट ऑफ आर बॉडी टू एस्केप एंड कीप अस वार्म। द पर्पस ऑफ स्कोरिंग वुल इज टू रिमूव डर्ट एंड ग्रीस फ्रॉम शेयर्ड फ्लीस इन अ हॉट वाटर विथ डिटर्जेंट इन अ लार्ज टैंक। थर्ड क्वेश्चन, प्रैक्टिकल यूज ऑफ लॉन्ग एंड शॉर्ट यार्न थ्रेड ऑब्टेन ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ वुल फाइबर वुल आर। लॉन्ग यार्न्स आर यूज्ड यूजुअली टू नाइटेन टू मेक स्वेटर्स, मफलर्स, कैप्स, ग्लव्स, सॉक्स ईटीसी। द शॉर्टर थ्रेड्स आर यूज्ड टू वूवन इनटू और नाइटेन इनटू कोट्स, ट्राउजर, जैकेट्स एंड शॉल्स। अ फीमेल सिल्क मॉथ लेज 100 ऑफ एग्स विच आर स्टोर्ड इन अ सूटेबल टेम्परेचर। दीज एग्स हैच एंड लार्वा कम आउट कॉल्ड कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म। दीज लार्वा आर केप्ट इन वाटर इन क्लीन बॉक्सेज वेयर दे फीड ऑन फ्रेश मलबरी लीव्स फॉर 25 to 30 days एंड ग्रो इन टू साइज। देन कैटरपिलर कवर इट्सेल्फ कम्प्लीटली विद द फाइन फाइबर। दिस कवरिंग इज कॉल्ड कोकून। द सिल्क मॉथ डेवलप इन टू कोकून। फिफ्थ क्वेश्चन, सिल्क मॉथ। फीमेल सिल्क मॉथ अ वाइट कलर इंसेक्ट लेज 100 ऑफ एग्स। देन एग्स आर केप्ट इन फेवरेबल एरिया एंड व्हेन एग्स हैचेज कैटरपिलर एंड सिल्क वॉर्म कम आउट। सेकेंड स्टेज, सिल्क वॉर्म इज अ टाइप ऑफ वॉर्म विच इज फीड ऑन मलबरी लीव्स आफ्टर 25 एंड 30 डेज। दीज वॉर्म्स ग्रो इन साइज। They are ready to cover themselves with fine fiber, cocoon. The silkworm secretes a liquid and cover itself with fine fiber by moving his head in eight, and it is cover them totally. It envelops, it evolves in it, the cocoon back into silk moth.